की कास्तु 200 में है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमको जो बता पाएगा इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी सांची भोपाल के नज़दीक में है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक कैसा प्लेस है। देखिए, देखिए ये मेरा फ्रेंड लोग फोटो शूट कर रहे हैं, और ये देखिए देखिए गाइस, ये सांची का बेहतरीन खूबसूरत लोकेशन है, और ये दिख रहे होंगे चिलचिलाती धूप है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा दिखा रहा हूँ। और मैं आज अपने दोस्तों के साथ कुछ सवाल करूँगा भी, और वो लोग जवाब भी देंगे। कुछ प्रैंक टाइप से ये ब्लॉग रहेगा। देखिए मेरे दोस्त आ रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ चाचा चाचा भाई भाई भाई, ये जगह है क्या एक्चुअली बता दीजिए आप मेरे सब्सक्राइबर को। ये जो पैसे में मतलब देखोगे 200,000 रुपया 300 500 हर चीज में रहता है। जी जी, सांची का स्तूप 200 में है। ये इसको स्तूप बोला जाता है सांची। तो इसका नाम क्या है जगह? सांची का स्तूप। चाचा आप बता सकते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको जो बता पाएंगे इसके बारे में। क्यों क्यों? क्योंकि हम हाल ही आए हैं, 2-3 साल हुआ आने का, इसलिए बता पाएंगे। 2-3 साल हुआ अभी पैदा होने का, तुमको आने का है पैदा होने का। क्या था इसमें पहले? तो भाई नहीं है, लोगों का हम ये बता सकते हैं मंदिर था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू माय फ्रेंड? यू आर सीइंग, यू आर वाचिंग इन, बना रहे हो लाइव। गाइस मैंने बोल दिया लाइव। ये देख सकते हैं कितनी पुरानी पुरानी घर है, और यहाँ आपको बहुत सारे ऐतिहासिक चीज देखने को मिलेंगे। कभी टाइम मिले तो आ सकते हैं आप लोग। तो गाइस, आप भी कभी जाना चाहते हैं घूमने के लिए सांची, जानिए कैसे जाएंगे। भोपाल आएंगे जी, भोपाल में किससे आएंगे? ट्रेन में बैठेंगे। हाँ, कैसे करना है? सांची स्टॉप जी जी, वहाँ से उतर 5 मिनट में पैदल आ सकते हो। अच्छा, या अगर अमीर आदमी है तो वो गाड़ी रिजर्व कर लेंगे। अच्छा, अच्छा। हम लोग की तरह मीडियम हो हाँ। मैजिक से भी आ सकते। तो गाइस एक छोटा सा फनी टाइप से व्लॉग था, और रैली में बहुत खूबसूरत लोकेशन है, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।